space and subspace. In vector space, we have a non-empty set of vectors. Let V be a non-empty set of vectors on which two operations, addition and scalar multiplication, are defined and satisfying the following 10 axioms. वेक्टर स्पेस में हमारे पास एक सेट होगा जिसमें वेक्टर्स होंगे और ये ओ वेक्टर्स ये दो ऑपरेशंस सेटिस्फाई कर ले या ये दो ऑपरेशन जो है ये उस सेट में डिपेंड हो और ये 10 एक्सियम्स या 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले तो फिर इस हम इस सेट को वेक्टर स्पेस कहेंगे. द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है u और v इन सेट v, देन u प्लस v बिलोंग टू v. अगर हम दो वेक्टर्स लेंगे u और v सेट v से और इस पे हम एडिशन ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशंस डिफाइन कर ले तो फिर वो दोबारा इस सेट v में होगा. द सेकंड प्रॉपर्टी इज कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर हम दो वेक्टर्स ले non-zero vectors u over v, our O commutative property hold करे with respect to addition, तो इस ये दूसरी property होगी. तीसरी property is associative with respect to addition. अगर हम तीन vectors ले u, v और w, our O associative property hold करे. The fourth one is there is a zero vector in v such that 0 plus v is equal to 0 plus v is equal to v. अगर हम v एक ऐसा वेक्टर ले और इसके साथ एक जीरो वेक्टर ऐड कर ले तो वो दोबारा जीरो वेक्टर आ जाएगा. द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज अ इनवर्स प्रॉपर्टी. फॉर ईच वेक्टर u बिलोंग टू v देयर इज अ माइनस u बिलोंग टू v सच दैट u प्लस माइनस u इज इक्वल टू जीरो. अगर हम एक ऐसा वेक्टर ले ले u जिसके साथ हम एक दूसरा वेक्टर ऐड कर ले तो इससे हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, ये फिफ्थ वन प्रॉपर्टी. द सिक्स्थ वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ u बाई c डिनोटेड बाई c u इज आल्सो इन v. अगर हम कोई भी वेक्टर ले ले u और इसके साथ हम एक स्केलर नंबर c को मल्टीप्लाई कर लें और वो दोबारा सेट v में आ जाए तो इसको हम क्लोज्ड अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन. द सेवन्थ प्रॉपर्टी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन. Here c is a scalar and u v are vectors. तो अगर हम पहले vectors को add कर ले बाद में scalar को multiply कर ले या पहले scalar को multiply कर ले और बाद में add कर ले दोनों से एक ही vectors आ जाएगा. ठीक है, the eighth one property is a right distributive of scalars over vectors. इधर हमारे पास u जो है ये vectors है vector है और c d हमारे पास scalars है. The ninth property is associative property with respect to multiplication. अगर हम d एक scalar u vector के साथ multiply कर ले और बाद में c को multiply कर ले या पहले c d दोनों scalars को multiply कर ले और बाद में u vectors के साथ multiply कर ले दोनों से एक ही vector आ जाएगा. और the last property is 1.u is equal to u. मतलब 1 अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे वही वेक्टर दोबारा आ जाएगा. अगर ये सेट v हमारे पास ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले तो फिर हम इस सेट v को क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस. फॉर एग्जांपल R2 इज अ वेक्टर स्पेस अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड यूजुअल एडिशन. अगर हम प्लेन ले ले, R2 हमारे पास क्या है, प्लेन है, तो ये प्लेन हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. अगर हम प्लेन में दो वेक्टर्स ले ले u और v और इसको ऐड कर ले तो दोबारा इसके एडिशन से एक वेक्टर आ जाएगा जो कि r2 का वेक्टर होगा. और इसी तरह कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है r2 में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और ये फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी है जीरो. तो r2 में हमारे पास क्या है, R2 में हमारे पास ये 0 0 ओरिजिन जो है ये हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है. अगर ये वेक्टर हम किसी भी वेक्टर के साथ ऐड कर ले तो वो वेक्टर दोबारा ही आ जाएगा. द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज अगर हमारे पास एक वेक्टर u है तो
इसके लिए एक वेक्टर माइनस यू होगा जिसको हम यू के साथ ऐड कर ले और हमारे पास क्या आ जाए जीरो वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह आर टू में आप कोई पार्टिकुलर वेक्टर ले ले टू और थ्री, तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर माइनस टू और माइनस थ्री है जिसको हम ऐड कर ले, इससे हमारे पास क्या आता है जीरो वेक्टर आता है। इसी तरह सेक्स वन द स्केलर मल्टीपल ऑफ यू बाई सी, अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वो दोबारा एक ऐसा वेक्टर आता है जो कि R2 में है। इसी तरह दो वेक्टर्स U और V को ऐड कर ले, बाद में एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले या पहले स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर ले और बाद में ऐड कर ले, दोनों से एक ही वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह आप ये बाकी तीनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है।